नागरिकता संशोधन बिल पर अमित शाह के बयान पर भड़का बांग्लादेश, बोला वह कुछ महीने। नमस्कार, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को संसद में कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी धार्मिक गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि 1947 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या 22% थी और 2011 में ये कम होकर 7.8% रह गई। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश 1971 में बना, 1947 से 1971 के बीच तो पूर्वी पाकिस्तान था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1971 में बांग्लादेश को संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया था, लेकिन उसके बाद 1977 में राज्य का धर्म इस्लाम माना गया। अमित शाह के इस बयान पर बांग्लादेश में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमिन का कहना है कि बहुत कम देशों में बांग्लादेश की तरह सांप्रदायिक सौहार्द है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। इस बिल के तहत पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को अब आसानी से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत कम देश हैं जहां सांप्रदायिक सद्भाव बांग्लादेश की तरह अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री अमित शाह कुछ महीने बांग्लादेश में रहेंगे तो उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि एक मित्र देश के रूप में हम आशा करते हैं कि भारत कुछ ऐसा नहीं करेगा जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करेगा।